हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रणाम, मैं आपका छोटा भाई अभिषेक। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जहां पर भी होंगे आप सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी आप लोग इसके पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे साथ साजिश किया जा रहा था और पैसे की मांग किया जा रहा था, लेकिन इतना समझाने के बाद क्या ही बताएं दोस्तों, वो अभी तक अपने आदत से बाज नहीं आ रहा है। हम लोग को बार बार परेशान कर रहा है, बार बार हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा तभी भी। तो दोस्तों, यही सब बातें हैं और अभी तक मैं उसको समझा रहा था, लेकिन अब नहीं समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो के माध्यम से उसने बोला तुम वीडियो बनाए हो ऐसे हमको धमकी दे रहे हो। हम धमकी नहीं दे रहे हैं, अब तुम कोई भी हो भाई ना, अब तुम जाओगे जेल। मैं अब जा रहा हूँ पुलिस थाने पर और मैं जाऊँगा कंप्लेंट कराऊँगा। देखता हूँ तुम अब जो कर लो, चाहे जो भी करना है करो। तो दोस्तों, अब आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं इन्हें समझा दूँ, भाई साहब को जो भी हैं जो मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं। इन्होंने मैंने आप अपने पिछले वाले ब्लॉग में मैंने बोला था कि आप जो भी हो भाई, गलती सही हो गया तो आपसे भी सबसे अब आप मेरे को ब्लैकमेल ना करें, क्योंकि अब मुझे डर नहीं है, क्योंकि इनके भी घर वाले अब हमारे साथ हैं, हमारे घर वाले भी अब हमारे साथ हैं, तो अब ये तीसरा का कोई डर नहीं हम लोग को। तो दोस्तों, अब जो भी है सुधर जाए। अब सुधरे क्या, एक मौका मैंने दे दिया, अभी हम तैयार व्यार होकर अभी हम जाएँगे दोनों लोग पुलिस थाने पर और वहाँ पर कंप्लेन करेंगे। जो भी है, जैसा भी है, जहाँ का भी, अब नहीं समझाऊँगा, ठीक है? बहुत समझा लिया दोस्तों, बहुत समझा लिया, लेकिन वो आदत से मजबूर हो, आदत से अपने मजबूर हो गया कि उस बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करेगा दोस्तों। दोस्तों, अभी फ़िलहाल यही सब बातें हैं, अब जाएंगे आज हम पुलिस थाने पे और कंप्लेन करेंगे, क्योंकि हमें परेशान करना बंद नहीं किया जा रहा है। रात में फ़ोन करके हमें गाली दिया जा रहा है, बार बार ब्लैकमेल, ये कर देंगे वो कर देंगे, पैसे की मांग किया जा रहा है। मैं किस बात के पैसे दूँ भाई, तू है कौन, मैं तुम्हें पैसा क्यों दूँ? आप ही लोग बताइए दोस्तों, मैं पैसा क्यों दूँ? ना हमारे घर वाले राजी, इनके घर वाले राजी है, तो किसी भी तरह अपना ज़िंदगी यापन कर रहे हैं, किसी भी तरह 1 रुपये 2 रुपये जहाँ से भी इकट्ठा करके अपना खा रहे हैं, जी रहे हैं। तो लेकिन तू तीसरा टपक रहा बीच में बार बार, वो पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर आ गया है, उसी नंबर पर बार बार कॉल कर रहा है। जब ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दे रहे हैं तो दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहा है, दूसरे तीसरे नंबर से परेशान करके रख दिया दोस्तों, क्या ही बताएं। तो दोस्तों, यही सब बातें हैं। और इधर काजू जी, तुम हमारे साथ दोगे कि नहीं जी? दोगी? कंप्लेन करोगी ना मेरे साथ चल के? पक्का? पक्का। तो चलो दोस्तों, अब क्या ही बताए, यही सब बात है। तो आज हम जाने वाले हैं पुलिस चौकी पे, शौक सीधी बात, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अभी हम और काजू अभी फिलहाल तैयार होके निकलेंगे, और निकलने के बाद फिर जाएंगे कंप्लेन देंगे, कंप्लेन फिर बताते हैं नंबर को हम ट्रैक करवाएंगे, कहाँ से आ रहा है, कौन है भाई, कौन है, कैसा है, और कैसा है दिखता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, सब उसके बारे में मालूम चलेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए ना, एक मिनट। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा शेयर करिए ना कि वो बंदा पकड़ा जाए और हमारी हेल्प हो सके। बस आपसे यही गुजारिश है कि दोस्तों, जो भी हमारा वीडियो देखता है, हम इंटरटेन के लिए इस यूट्यूब पर आए, इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं दोस्तों। आप लोग को इंटरटेन करते हैं, छोटा मोटा एक्ट आता है, थोड़ी मोटी बहुत डांस आते हैं हम लोग को, वही दिखाने के लिए आते हैं और करते हैं अपना दिन भर काम करते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हम लोग, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, किसी को ना ही परेशान करते हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं, ना किसी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, ना किसी के बारे में कुछ कहते हैं। हम लोग का दिनचर्या ये होता है कि हम लोग सुबह निकलते हैं भैया घर पर, वीडियो शूट करते हैं, शाम को अपने घर पर आते हैं, खाना खा के बना के खा के सो जाते हैं। तो दोस्तों, यही सब बातें, यही सब दिक्कतें आ रही थी हम लोग के बीच में, कि मतलब यही हम एकदम समझे एक हफ्ते से एकदम परेशान हो गए थे, जब से हमने शादी करने की डिसीजन लिया था, तब से जब से हमने शादी करने का डिसीजन लिया कि हम लोग शादी करने जा रहे हैं, तब से हम लोग को एकदम परेशान किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये सब बातें हैं और क्या ही बताएं, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने किसी का कुछ बिगाड़े भी नहीं है, वो मेरे से पैसा मांग रहा भाई, पैसा दे दो। अभी मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था, उसको कितना समझाया था, उसको नहीं समझा, तो फिर दोबारा रात में बोल रहा कि तुम ब्लॉग कैसे डालिए कि तुम पैसा नहीं दोगे, नहीं दोगे, नहीं देंगे भैया, 1 रुपया नहीं देंगे हमारे पास, अगर कितना भी रुपया हो ना उसमें से अगर तुम 1 रुपया मांगोगे नहीं देंगे। अगर जब पहली बात तो हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, और दूसरी बात अगर रहता तब भी नहीं देते। तुम्हें जाके जो करना है तुम करो, तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। और हम आज जा रहे हैं पुलिस थाने पे नंबर लेके तुम्हारा, ठीक है? तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए ना कि वो बंदा पकड़ा जाए। और आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लव यू माई यूट्यूब फैमिली। कुछ कहना नहीं है आपको? कुछ कहना तो कह दीजिए।
तो दोस्तों अभी ये कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? सपोर्ट करिए गाइस, हम लोगों को आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, और अभी तक अगर जो भी भाई अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। बाय बाय।